हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एबॉर्शन कंप्लीट होने के बाद आपको संबंध कब बनाना चाहिए, चाहे वो मेडिकल एबॉर्शन हो या फिर सर्जिकल एबॉर्शन हो। संबंध बनाना कब सेफ रहता है, कब आपको संबंध बनाना चाहिए जिससे कि आपको कोई इन्फेक्शन का कोई भी रिस्क आपके लिए ना रहे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें ताकि आपको पूरी पूरी जानकारी इससे मिल सकेगी। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस हम अपने चैनल पे डेली अपलोड करते हैं। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि एबॉर्शन के बाद आपको संबंध कब बनाना चाहिए, यानी कि इंटरकोर्स कब करना चाहिए। तो देखिए, जो मेडिकल एबॉर्शन होता है यानी कि दवाइयों से आप एबॉर्शन करते हैं, अनवांटेड किट से यानी कि एमटीपी किट से जो एबॉर्शन आप करते हैं, गोलियां खा के आप जो एबॉर्शन करते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक आपको ब्लीडिंग होती है। तो 2 हफ्ते के बाद यानी कि जब आपका लास्ट दिन है, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, उस दिन से लेके अगले 2 से 3 हफ्ते बाद ही आप फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो ये आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा सर्जिकल एबॉर्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद ब्लीडिंग जो है ज़्यादा होती नहीं है, 2 से 3 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है। तो उस केस में भी अगर आप 2 से 3 हफ्ते बाद अगर फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, उससे पहले रिलेशन बनाना यानी कि जिस दिन आपकी ब्लीडिंग बंद हुई उससे 1-2 दिन बाद ही संबंध बनाना, इंटरकोर्स करना, ये आपके लिए जो है नहीं रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के रिस्क रहते हैं। तो इस टाइम पे जो इंटरकोर्स है यानी कि फिजिकल रिलेशन जो है सेफ नहीं होता है। तो इस टाइम पे आपको जो है संबंध नहीं बनाना है। मरीजों में तो क्या होता है कि जैसे अगर उनने दवाइयाँ खा के एबॉर्शन कराया है यानी कि मेडिकल एबॉर्शन अगर उनने करवाया है तो उस केस में जो है ब्लीडिंग थोड़ा हैवी होती है, क्लॉट्स भी जाते हैं, तो उस केस में जो है लेडीज वैसे ही काफ़ी वीक फील करती है, काफ़ी वीकनेस रहती है क्योंकि ब्लड जो लॉस हुआ होता है काफ़ी। तो उसकी भरपाई के लिए आपको डाइट सही करनी है, अच्छे से डाइट लेना है, अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट कर लेना है, उसके बाद ही आप संबंध बनाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे अगर जल्दीबाजी में संबंध बनाएंगे यानी कि 2-3 दिन बाद ही, जैसे ही ब्लीडिंग रुकी उसके 2 से 3 दिन बाद ही, तो इसमें जो है आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी हेल्पफुल वीडियो अपने चैनल पे डेली अपलोड करने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और भी कोई सवाल है, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे हमें कॉमेंट में ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।